छे पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज थाना कमिश्नर ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थे और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कलवा पुलिस स्टेशन के जो एसीपी धुमाल है उनकी टीम ने वहां के जो सीनियर पीआई है इन लोगों ने जो है एक गिरोह को पकड़ा है। ये गिरोह जो है 9 आदमी का ग्रुप है और बताया जा रहा है कि मतलब ये बहुत बड़े पैमाने पे जो है एक लूटने का काम करते थे और लूटने का काम जो हुआ करता था ये इनके जो सुनार जो मारवाड़ी हुआ करते है जो सोने चांदी की दुकान होती है उनको ये निशाना बनाया करते थे। जैसे कि वो व्यापारी दुकान बंद करके अगर घर जाने के लिए निकला उसके हाथ में बैग है या कुछ है तो वो उनको रिवॉल्वर दिखा के जो है और कुछ हथियार दिखा के उनको लूट दिया करते थे। और ये बहुत बड़ा जखीरा जो है ये पकड़ा गया हथियारों का मतलब इनके साथ में इनके पास बरामद हुआ है और गोली भी कुछ मतलब उसके साथ मिली है। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े तादाद में इनके पास असलहा आया कहाँ से। अच्छा ये सबके सब आरोपी जो है ये यूपी के बताए जा रहे हैं और भी कई दो चार जगह के हैं अभी ये खुलासा नहीं हुआ है लेकिन यूपी के दो बंदे हैं उसमें जो कि मतलब उससे कनेक्टेड है। तो ये बताया जा रहा है कि और भी मतलब कुछ खुलासा होने वाला है। अभी पुलिस की पूछताछ चालू है इसके बाद कुछ और भी खुलासा आप लोगों के सामने होएगा तो मैं फिर आपको ये खुलासे के बारे में बताऊंगा कि कितने दुकानों को उन्होंने निशाना बनाया कितनी जगह पे लूटा है। और इनके पास काफी सारे हैं इनके ऊपर केसेस जो है अलग अलग पुलिस स्टेशन के भी है उसके लिए भी पुलिस पूछताछ कर। कलवा पुलिस स्टेशन के एरिया में 27 तारीख को रात को एक ज्वेलर है उसके शॉप पे कुछ लोगों ने डकैती करने का प्रयास किया था। उस हादसे के दौरान वो एक गाड़ी घटनास्थल पे छोड़ के गए थे। उस गाड़ी के आधार पर कड़वा पुलिस स्टेशन ने ये गुनाह डिटेक्ट किया है जिसमें 9 आरोपी अब तक निष्पन्न हुए। इस गैंग के इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला है कि उन्होंने पहले भी और ऐसे कुछ वारदात किए थे तो ऐसे 6 गुने अभी तक डिटेक्ट हुए हैं और भविष्य में भी उनका प्लान था कि कुछ गुने किए जाए और उसके लिए उन्होंने कुछ ज्वेलर्स थाना शहर और ग्रामीण के आदि में रेखी किया था ज्वेलर्स का तो उनका भी अभी उसका आरंभ हो जाएगा। ये अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन के तहत 2016 से ऑपरेट हो रही है और जनरली एक बैकग्राउंड बोले तो कामगार लेबर क्लास के लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है 7वीं 8वीं तक पढ़े। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं सर? बहुत से लोग यूपी के तरफ से यहाँ काम करने के लिए आए और रीवा में कुछ लोग रह रहे हैं। मैं लालू मशीन फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ जब तक के लिए खुदा हाफिज़।